रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आपकी मस्जिद की इमाम हो, आपके बच्चों के उस्ताद है या आपकी उस्ताद है। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. और एक हदीस में है मेरे दोस्तों, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حامل القرآن راعية الإسلام فمن أكرمه فقد أكرم الله ومن أهانه فعليه لعنة الله। ये रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हामिल कुरान, जो आपकी मस्जिद की इमाम हो, आपके बच्चों के उस्ताद है या आपकी उस्ताद है, हामिल कुरान, कुरान के ऊपर अमल करने वाले, उमा कुरान और हदीस के मुताबिक चलने वाले, जो उलमा हो, जो हाफिज कुरान हो, जो कारी हो, वो इस्लाम की झंडे हैं, वो कि इस्लाम के झंडे हैं। कितनी बड़ी बात है। आप जो इमाम आपको नमाज पढ़ा रहे होते हैं, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, फिर क्या करो, उन लोगों की इज्जत करो, उन लोगों की ताज़ीम करो, उन लोगों की एहतराम करो, उनकी इकराम करो, इनकी तकरीम करो, इनकी देखभाल क्या करो, इनकी खबरगीरी क्या करो ना, इसलिए क्योंकि ये इस्लाम की झंडा है, ये उलमा इस्लाम के झंडा है। ऐसे ना हो कि इमाम तुम्हारे जैसे एक इंसान है, गलतियाँ उनसे भी हो जाती हैं, वो फरिश्ता नहीं है। खबरदार, इमाम के बारे में तुम गीबत मत क्या करो, इमाम के पीछे इमाम की चुगलखुरियाँ मत क्या करो, इमाम के पीछे इमाम के बारे में उल्टा सीधे बातें करना मत क्या करो, उल्टा सीधे बातें मत क्या करो, तुम इमाम के पीछे तनकीद मत क्या करो, तुम इमाम की गलतियां मत पकड़ो। ऐसे ना हो कि तुम इमाम की गीबत करो, इमाम की चुगलखुरियाँ करो, इमाम की जो है ना तनकीद क्या करो, फिर इमाम के पीछे लगकर हर बातों की जो है ना तुम गलतियां पकड़ने की कोशिश क्या करो। तो इन सूरतों में याद रखना, अगर जिस इमाम के पीछे तुम नमाज पढ़ते हो, फिर उनकी जो है ना इहानत करना, उनकी इहानत करना, उनका तजलील करना, उनका गीबत करना, उनका चुगलखुरियाँ करना और उनकी जो है ना तनकीद, हर बात बातों के ऊपर उनकी गलतियाँ पकड़ना, याद रखो वो फरिश्ता नहीं है। अगर तुमने ऐसे कर लिया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वमन अकरमा हु, पर जिन लोगों ने उनकी इकराम और ताजीम किया, वो गोया के मेरी इकराम किया, वो गोया के मेरी ताजीम किया, वो गोया के मेरी एहतराम किया, वो गोया के मेरी खबरगिरी की। फिर फरमाया फमन अकरम अल्लाह, बस अलबत्ता उसने अल्लाह की इकराम की है, जिसने अल्लाह की, जिन इमाम की एहतराम इज्जत ताजीम की है, वो गोया के अल्लाह की इज्जत और एहतराम की है, अल्लाह की ताजीम की है। वमन नहानहु फअलैहि लानतुल्लाह, और वो शख्स जो अपने इमाम के पीछे इक्तदा करते हैं, इक्तदायतुल बिहाद अल इमाम, इक्तदायतुल बिहाद अल इमाम कहने के बावजूद भी, और उनके पीछे वो नमाज भी अदा करते हैं, उनके पीछे वो नमाज भी पढ़ते हैं और इक्तदा भी किए हुए हैं, और फिर उनकी इज्जत और एहतराम भी नहीं करते हैं और उनकी ताजीम भी नहीं करते हैं और उनकी चुगलखुरियाँ भी करते हैं, उनकी गीबतें भी करते हैं, इनकी तनकीद भी करते हैं और इनकी हर छोटे छोटे बातों की गलतियां भी पकड़ते हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि जिन लोगों ने इस किस्म की हरकत की है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया वमन अहाना हो, जिन लोगों ने इस किस्म की सलूक की है इमाम के साथ या इमाम की तजलील की है, फअलैहि लानतुल्लाह, तो उसके ऊपर अल्लाह की लानत होगी, उसके ऊपर अल्लाह की लानत होगी।